कभी राहुल गांधी की सदस्यता तुम लोगों ने समाप्त कर दी? राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने? डरते हो यार तुम लोग, तो बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है भारत के इतिहास में, सबसे भ्रष्ट भारत के इतिहास में, सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है? अहंकार उनका सातवें आसमान के ऊपर है? सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, सवेरे से शाम तक ये चलता रहता है। मैं आज बीजेपी के सारे लोगों को मैं अपील करना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग देश को तबाह करना चाहते हैं बीजेपी में रहो, और जो लोग देश को बचाना चाहते हैं आज बीजेपी छोड़ दो। मनीष सिसोदिया भगत सिंह का चेला है, मनीष सिसोदिया जेल जाने से नहीं डरता, इनकी जेल की सलाखों से नहीं डरते। और अगर कोई जेल जाने से डरता हो आप में से, आज आम आदमी पार्टी तोड़ छोड़ देना। आम आदमी पार्टी में आयो तो सर पे कफन बांध के आयो, आम आदमी पार्टी में आयो अपने अपने घर में बोल देना जेल जाने को तैयार रहो, ये जेल में डालेंगे सबको, यही कर सकते हैं ये। अभी बता रहा हूँ तुम्हारे अच्छे काम क्या है, 2 मिनट रुक जाओ। ये आपको जेल भेजेंगे, अपने अपने घर में बोल देना, जिसको जेल भेजें आपके घर का खर्चा मैं चला दूंगा, हम सारे मिलकर चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? आपको अच्छा वकील हम देंगे, आपको जेल से वापस लेके हम आएंगे, हो सकता है 7-8 महीने, पिछली बार मैंने कहा था 4 महीने, अब 7-8 महीने हो सकता है, 7-8 महीने रहना पड़े जेल में, इससे फालतू या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे आज भगत सिंह का नाम पूरी दुनिया याद रखती है, ये वो मौका है भारत के इतिहास के अंदर जब आपका नाम भी याद रखा जाएगा। जो जो लोग अभी मेरे को एक ऑटो रिक्शा वाला मेरे को कहता है जी आजकल व्हाट्सएप भेजने में डर लगता है, मैं क्यों? कहता कभी गिरफ्तार ना कर ले। पूरे देश में क्या डरा के रखा हो यार तुम लोगों ने, क्या हाल बना दिया देश का तुम लोगों ने, इसी के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी।